पंजाबी एकता चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नित अपनी ही सरकार दीआं धज्जियां उडाई जा रहे हन। ओह अपनी ही सरकार की कारगुजारी उपर गंभीर सवाल उठा रहे हन। इस नाल मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ते उन्हां दे वजीरां वल्लों कीते दावयां की फूक निकलदी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज मुड़ ट्वीट बंब दागिया है। उन्होंने ट्वीट जरिए एसटीएफ रिपोर्ट संबंधी अपनी सरकार नूं घेरिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस रिपोर्ट ते तुरंत कार्रवाई की जाए, जे इस विच कुछ नहीं है तो कैप्टन जिम्मेवार तय होवे, जे कुछ है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को अपील करने की लोड़ ही नहीं, जबकि वह रिपोर्ट खोलन के आदेश दे चुकी है। दस दें कि नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी समय तो मांग कर रहे हैं कि नशियां बारे एसटीएफ रिपोर्ट की रिपोर्ट को खोलिया जाए। उन्हों का कहना है कि इस रिपोर्ट में ड्रग माफिया बारे वड्डा खुलासा हो सकता है। दूजे पास पंजाब सरकार कह रही है कि यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के हुक्म मुताबिक ही खोली जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने नशे ते बेअदबी मामले उपर तुरंत कार्रवाई करने लई दबाव पा रहे हैं। इसलिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सवाल उठाए कि सिद्धू जानबूझ के अकाली दल के लीडरों को उलझाना चाहता है। इस बारे नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदा डीजीपी नाल मीटिंग भी हुई है। शनिवार को इसका जवाब देते सिद्धू ने सुखबीर बादल को आख्या कि जेकर बेअदबी मामले में उस वेले के डीजीपी या हुण के डीजीपी नाल उन्होंने एक भी मीटिंग की हो सियासत छड्ड देणगे। सिद्धू ने आख्या कि ना तो उन्होंने कोई बस चलती है, ना ही कोई रेते की खड्ड है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। तो अपनी गल बेबाकी लोगों अगे रखते हैं। सिद्धू ने सुखबीर बादल को चुनौती दी कि वह उक्त दोषों को साबित करके दिखाउण, जेकर उन्होंने कदे भी इस मामले में उस वेले के डीजीपी या आईजी जो हुण डीजीपी हैं नाल कोई मीटिंग की हो सियासत छड्ड देणगे। सो इस तक की वड्डी खबर, होर खबरां देखने लई साडे चैनल नाल बने रहो। धन्यवाद।